दसवां पर्सन है बेटा, भाईचुंग के पिताजी, नाम है बेटा किसी का, उसके पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, और उससे, ये उससे शब्द किसके लिए आया बेटा, उस शब्द आया है भाईचुंग के लिए। उसके पिताजी दादाजी से तो 26 वर्ष छोटे हैं, लेकिन भाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। यदि तीनों की आयु का योग 135 है वर्ष है तो उनकी आयु ज्ञात करनी है। देख बेटा, तो उस शब्द देख से किसके आगे लग रहा है, उस भाईचुंग के लिए। तो बेटा उत्तर कैसे देंगे, माना भाई चुंग की, और मैंने कहा था आयु वाले सवालों में हमेशा वर्तमान आयु मानते हैं बेटा, भाई चुंग की वर्तमान आयु x वर्ष, पिताजी की आयु ध्यान रखना बेटा, पिताजी की वर्तमान आयु भाई चुंग से कितने वर्ष बढ़े हैं बेटा, 29, तो x प्लस 29 होगी, x प्लस 29 वर्ष, क्योंकि पिताजी भाई चुंग से 29 साल बड़े हैं तो प्लस करेंगे। दादाजी की आयु, तो पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो पिताजी की उम्र में बेटा 26 साल जोड़ दो तो दादाजी की आ जाएगी, और ये होगी बेटा x प्लस 55, 29 और 26 को जोड़ो देखो 55। अब प्रश्न कह रहा है, प्रश्न अनुसार भाईचुंग के पिताजी की और भाईचुंग के दादाजी की, इन तीनों का जो जोड़ है वो बेटा हो रहा है 135। देखो यदि इन तीनों की आयु का योग, योग का मतलब जोड़, तो बेटा भाईचुंग की x, पिताजी की x प्लस 29 और दादाजी की x प्लस 55, सबको जोड़कर 1 2 3 एक्स प्लस, ये देखो बेटा 9 5 14 84 बराबर 135। अब 84 को उधर ले जाओ, देखो 135 माइनस 84 घटाते हैं बेटा 5 में से 4, 13 में से 8 गया 51, x बराबर 51/3, और 3 का भाग दो बेटा देखो तो क्या उत्तर आ जाएगा, देखो ये 3 का भाग दिया देखो 51 में, 3 एकम 3, 2 बच गया उतार दिया 1, 3 7 21 देखो बेटा 17 बार गया, तो ये आ गया। अब बेटा अपने 3 लाइनें वापिस हुई, अतः माना की जगह अतः भाई चुंग की, ये देखो बेटा जो माना है वहां भाईचुंग की वर्तमान आयु 17 वर्ष, पिताजी की वर्तमान आयु 17 में 29 जोड़ो बेटा 46 वर्ष, और दादाजी की वर्तमान आयु 17 में बेटा 55 जोड़ो 7 5 12 6 1 7 72 वर्ष। अब उत्तर क्या चेक कर लो बेटा, 17 46 और 72 जोड़ो देखो 7 6 13 14 15 हासिल की 1 1 2 6 6 और 7 13 135, और ये देखो बेटा अपना 135, ये रहा देखो आयु का जोड़। तो इस प्रकार करना है। संख्या है 11, देखो क्या कह रहा है कि रवि की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो बेटा देख मैं सीधा लिख रहा हूं, आप लोग देखना प्रश्न को, माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष, फिर वो कह रहा है बेटा 15 वर्ष बाद, तो बाद रवि की आयु 15 वर्ष बाद रवि की आयु, तो 15 वर्ष बाद है तो बेटा अभी वर्तमान आयु में 15 जोड़ दो
फिर बेटा प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है देखो कि एक तरफ वर्तमान आयु और एक तरफ 15, तो ये कह रहा है कि रवि की वर्तमान आयु 15 वर्ष बाद वाली आयु की 4 गुनी है। ध्यान रखना बेटा, 15 साल बाद ये उम्र 4 गुनी है, ये कम है। तो बेटा ध्यान रखना, इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। ये 15 वर्ष बाद जो उम्र है ये वर्तमान आयु की 4 गुनी है, इसकी 4 गुनी, तो इसको 4 से गुणा कर लो बेटा, 4x। अब x को इधर ले आओ, बराबर 15, 3x बराबर 15, x बराबर 15/3 यानी 5। अतः रवि की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी बेटा, 5 वर्ष। ऐसे करना है इसको, तो रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है, 15 वर्ष बाद रवि की जो आयु है वो वर्तमान आयु की 4 गुनी, ये 4 गुनी है, तो कम ये है बेटा, तो कम वाली को 4 से गुणा करो, तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। और फिर बेटा समीकरण को हल करेंगे, x को इधर ले आइए, तो 4 में से 1 गया 3x, 15 x बराबर 15 में 3 का भाग देते ही तो रवि की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी बेटा, x वर्ष।